5 या 6 बजने वाले हैं, 6:30 या 7 बजे तक ये पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक दिन में पूरा बेंड लगाया जाएगा। और सुबह हम यहाँ पर आए थे 8:30 बजे के आसपास आए थे, और तब से बेंड लगाना शुरू हुआ है और लगभग 6:30 या 7 बज जाएंगे। और एक गाटा बचा हुआ है, मतलब एक पूरा खेत बचा हुआ है, लगभग 19 या 20 बिस्से का होगा, मतलब 1 बीघे का आसपास हो सकता है खेत होगा। और ये आपको दिखाते हैं किस तरीके से नज़ारा है, आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हो, एकदम मस्त है। खेत चलते हैं, और खेत में इस समय बेंड लग चुकी है और थोड़ी बहुत बची हुई है जो लगना बाकी है। देखो हम बेंड फेंकने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बेंड फेंका जा चुका है। और इस समय बेटू देखो बेंड फेंक रहे हैं, हवा एकदम मस्त चल रही है, क्योंकि देखो ये सारे खेत में वहाँ पर लगवा रहे हैं। तो देखो बहुत सारे लोग हैं जो बेंड लगवा रहे हैं, अंकुर हाथ लगा रहे हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और आज हम अपने खेत जा रहे हैं क्योंकि खेतों में आज बेंड लग रही है, मौसम भी सही है। 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा था, तो भगवान ने ऐसे ही पानी बरसा दिया। और कुछ और पानी लगाया जाता है, तो इस समय पाइप से देखो पानी लगाया जा रहा है। यहाँ पर देखो हमारा ट्यूबवेल है, यहाँ पर हमारा ट्यूबवेल है, तो यहाँ से खेतों में पानी दिया जा रहा है। क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है खेत में, तो इसीलिए और ज़्यादा पानी खेतों में भरा जा रहा है, अच्छे से एकदम भर दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक एक पौधे को लगाया जाएगा पूरे खेत में। और ये पीछे हमारे खेत हैं, और इन्हीं खेतों में अभी बेंड लगाई जा रही है, और देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर खेतों में भाई बेंड छितरा रहे हैं। इस समय थोड़े बहुत बेंड छितरा दिए हमने, और बहुत सारे और लोग हैं तो वो काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको खेत दिखा दे रहे हैं अपना, ये हमारा खेत है, और वो वहाँ देखो सामने वो लोग काम कर रहे हैं, बेंड लगा रहे हैं। और यहाँ ये देखो यहाँ पर भी बेंड बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, और ये देखो कितने सारे यहाँ पर बेंड रखे हुए हैं। और ये सारे बेंड हम खेतों में इस तरीके से फेंक रहे हैं। तो भाई उतनी देर से अभी बेंड फेंक रहे थे, और बहुत सारा बेंड हमने फेंका, और यहाँ देख सकते हो अभी बेंड उखाड़ा जा रहा है। चाचा हमें देखो खाद डाल रहे हैं, तो आज भाई पूरा खेत में बेंड लगाया जा रहा है, और हमको देख सकते हो पूरा गीले हो गए हैं और पसीना पसीना हो गए हैं। अब जा रहे हैं जो बेंड लोग लगा रहे हैं, ये लोग बेंड लगा रहे हैं, इनके लिए जा रहे हैं समोसा लाने के लिए, क्योंकि भाई थोड़ा नाश्ता वास्ता कर ले, सुबह से आते हैं तो थोड़ा नाश्ता कर ले, थोड़ा एनर्जी आ जाए, फिर और तेज़ी से काम करने लगेंगे, तो जल्दी से भाई पूरे खेत में बेंड लग जाएगा। तो चलते हैं भाई उनके लिए समोसा लाते हैं। अभी यहाँ पर देखो मौसम भी एकदम मस्त है, और यहाँ इस समय बैठे हुए हैं हेलो चाचा पापा और दद्दा सभी लोग हैं। तो ले नहीं तो पानी तेज आएगा। तो भाई पानी भी बरसने लगा है, देखो पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा था अभी थोड़ी देर पहले, और फिर अचानक देखो पानी एकदम कम हो गया है। और अभी एक गाटा हुआ है, और बहुत सारे गाटा में अभी लगना बाकी है, तो सारा गाटा अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में, अभी लग जाएगा। और फिलहाल देख सकते हो किस तरीके झिमझिम झिमझिम पानी बरस रहा है, और यहाँ ये देखो यहाँ पर बेंड उखाड़ी जा रही है, वहाँ पर लगाई जा रही है, छोटी छोटी कर भी हो गई हैं।
बहुत तेज पानी बरस रहा है, इसलिए चल रहे हैं मोबाइल रख देते हो, क्योंकि बहुत तेज बरसने लग सकता है। अचानक बरसता है, फिर उसके बाद आराम से रुक जाता है। तो भाई घर जा रहे हैं, क्योंकि घर में थोड़ा काम आ गया। मम्मी का फ़ोन आया था, तो कुछ काम आया है इसीलिए बुलाया है मम्मी ने। तो अभी थोड़ी देर बाद हम आएंगे यहाँ पर, देखेंगे आपको भी दिखाएंगे कितना हो गया खेत। थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ी देर 2-3 घंटे में हो जाएगा पूरा खेत, तो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं, पापा और चाचा हैं यहाँ पर। और थोड़ी बहुत मेहनत तो भाई करनी ही चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत करने शरीर भी मजबूत रहता है। और पापा भाई ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। और इस समय देखो धूप बहुत तेज़ निकल आई है, भगवान जी भी शायद रुष्ट हो गए हैं। हम बहुत देर से कह रहे थे मौसम बहुत अच्छा है। कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि यार वहाँ पर मिट्टी होती है, बोदा होता है, फिर देख सकते हो किस तरीके से लगा हुआ है हमारे शरीर में बोदा। और ये हम अपने घर पहुंच गए हैं। 2000 years later, 6 hours later. अभी बहुत सारे लोगों के खेत में बेंड लगना बाकी है, यहाँ देख सकते हो। सब लोग अपना खेत जोतवा रहे हैं, कोई मया रहा है मई से, कोई ट्रैक्टर से जोतवा रहा है। तो यहाँ पर बगल में देखो पानी भर दिया गया है, अभी कल जोता जा रहा था इस खेत में। और ये देखो मेरे बगल यहाँ पर बहुत सारे खेत खाली हैं, लेकिन कुछ दिन में ये भी खेतों में पानी लगा के बेंड लगवा दिया जाएगा, और चारों तरफ आपको बेंड ही बेंड दिखाई देंगे। पे खड़े हैं, और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हमारा खेत है, तो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से हमारे खेत एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। जो पीछे देख रहे हो बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो सब बेंड लगाने के लिए खड़े हैं, और वहीं हमारा खेत है। यहाँ हम पेड़ के पास बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे बेंड रखे हुए हैं। एक खजूर का पेड़ सूख गया था, तो उसी की लकड़ी पर हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पर साइड में बहुत सारे देखो यहाँ पर बेंड रखे हुए हैं। और ये देखो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे खेत खाली हैं, क्योंकि अभी इनमें लगना बाकी है। वहाँ पर देखो बहुत सारे खेत खाली हैं, इधर खाली है, इस एरिया में खाली है। ऊपर मानसून देखो कितना भयानक आ रखा है, पूरे बादल एकदम काले हो रखे हैं। वहाँ पर देखो बहुत सारे लोग हैं जो पेड़ लगवा रहे हैं, और एकदम मस्त मौसम है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल भी एकदम मस्त छाए हुए हैं। और देखो इतना पानी भरा हुआ है, ऐसे लगा दिया जाएगा। नहीं यार, भाई एक एक पेड़ देखो, आपको दिखाते हैं। पास से एक एक पेड़ लगाया जाता है, ऐसे एक एक लगाया जाता है, ऐसे ऐसे। ये देखो हमारे अंकुर भाई हैं, ये हमारी बहुत मदद करते हैं अंकुर भाई वीडियो बनाने में, बेटू भाई भी हैं। और ये देख सकते हो एकदम खूबसूरत खेत, एकदम हरे भरे हो जाएंगे थोड़ी देर में। और वो इस समय हम ट्यूबवेल की छत पे बैठे हुए हैं, और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से नज़ारा कितना मस्त है खेतों का। और यहाँ पर देखो पीछे गौनई हो रही है, मतलब गाते हुए एकदम आनंद के साथ बेंड लगा रहे हैं, क्योंकि भाई एकदम मज़ा भी आना चाहिए ना भाई, बेंड लगाते समय वो इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, इसलिए गाना भी गाते हैं, थोड़ा पुराने ज़माने का जो होता है उस तरीके का गाना गाते हैं। और दादी लोग गा रही हैं, कुछ बहनें हैं वो सब गा रही हैं।
और रिमझिम करते हुए पानी दिन भर बरसा है भाई। और मौसम आप देख सकते हो, दिन भर मौसम मतलब एकदम बना रहता है। और क्योंकि इस समय सावन चल रहा है ना, तो सावन के महीने में भाई महादेव एकदम प्रसन्न रहते हैं, रोज़ बारिश होती रहती है। और इसलिए नेचुरल भी बहुत ज़्यादा पानी गिरता रहता है, और जो कम पड़ता है वो ट्यूबवेल से लगा दिया जाता है। और देख सकते हो यहाँ पर मेरे आसपास खेतों में। A few moments later.